तो वीवो आईपीएल 2021 का मैच नंबर 33 दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा 22 सितंबर 2021 वेडनेसडे को। दोस्तों यह मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम है जो फिलहाल अंक तालिका में दूसरे स्थान पर मौजूद है। इस टीम ने टोटल अब तक आईपीएल 2021 में 8 मुकाबले खेल लिए हैं, मात्र 2 ही मैचों में अब तक हार मिली है और 6 मुकाबले में शानदार जीत मिली है। टोटल 12 अंक है, 12 अंकों के साथ ये फिलहाल नंबर 2 पर मौजूद है। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है जो सबसे नीचे यानी कि बॉटम में मौजूद है पॉइंट्स टेबल के। टोटल 7 मुकाबले खेल चुकी है ये टीम, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को मात्र अब तक 1 ही मुकाबले में जीत मिली है, जबकि 6 मैचों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। इस टीम के मात्र 2 ही अंक है। अब ऐसे में यह टीम सबसे नीचे यानी कि 8वें स्थान पर मौजूद है। अब यहां से सनराइजर्स हैदराबाद की राह आसान नहीं होने वाली है आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। इस लिहाज से सनराइजर्स हैदराबाद के लिए यह मुकाबला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तरफ जहां सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से जॉनी बेयरस्टो इनके शानदार विस्फोटक विकेट कीपर बैट्समैन और ओपनर बाहर हो गए थे, इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, तो उनकी जगह पर टीम में वेस्टइंडीज के जबरदस्त धाकड़ खिलाड़ी स्टीफन रदरफोर्ड को टीम में शामिल कर लिया गया था एज रिप्लेसमेंट के तौर पर, जो शानदार जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम से भी सिद्धार्थ मणि मरन बाहर हो गए थे इंजरी की वजह से, काफी युवा प्लेयर थे, इनकी जगह पर टीम में कुलवंत खेजरिया को शामिल कर लिया था दिल्ली कैपिटल्स के टीम मैनेजमेंट ने। तो ये दो बड़े बदलाव हुए हैं दोनों ही टीमों में। तो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो किसका पलड़ा है भारी, कौन सी टीम मजबूत और कौन सी टीम कमजोर दिखाई दे रही है, इस वीडियो में आपको बताने वाले पूरी विस्तार से। जबकि दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की किन 11 खिलाड़ियों के साथ दोनों टीम मैदान पर उतरने वाली है, जबकि इंजरी रिपोर्ट्स, मैच प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट्स, वेदर कंडीशन, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में, जबकि इस मुकाबले की मैच विन प्रेडिक्शन आपको बताने वाले कि यह मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है, कि जीत पाएगी दिल्ली कैपिटल्स या फिर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बाजी मारेगी। वीडियो की ओर तो वीवो आईपीएल 2021 का मैच नंबर 33 सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा, जहां ये दोनों ही टीम आईपीएल पार्ट 2 में अपना पहला मुकाबला खेलने वाली है, जो कि यह मैच 22 सितंबर को खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। शाम 7:30 बजे से यह मैच स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके वेदर के बारे में। तो गाइस यूएई में काफी ज्यादा गर्मी है, बारिश होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर हम बात करें इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट्स और कंडीशन के बारे में, तो गाइस यहां के मैदान पर जो एवरेज स्कोर है वो ज्यादा नहीं है, बल्कि 145 से लेकर 155 का एवरेज स्कोर है। लेकिन जो टीम पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करते हुए 160 या फिर 170 रन बना लेगी, उस टीम के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जहां इस मैदान पर शुरुआती ओवर में यानी कि पावर प्ले के दौरान खासतौर पर गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है, लेकिन एक बार बल्लेबाज अगर अपनी विकेट बचा लेता है, टिककर खेलता है, तो लास्ट में जाकर वो हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी कर सकता है, छक्के लगा सकता है और टीम के लिए बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। अब चलिए बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। तो इन दो टीमों के बीच आईपीएल के इतिहास में अब तक टोटल 19 ही मुकाबले खेले जा चुके हैं सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, जहां 11 मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जीत मिली है, जबकि 8 मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा है। जबकि दिल्ली कैपिटल्स का सबसे हाईएस्ट स्कोर अब तक हैदराबाद के खिलाफ रहा 189 रन, तो वहीं सबसे लोवेस्ट स्कोर 80 रन रहा है दिल्ली कैपिटल्स का हैदराबाद के खिलाफ, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद का सबसे बड़ा स्कोर हाईएस्ट स्कोर 219 रन रहा है, जबकि सबसे लोवेस्ट यानी कि सबसे कम स्कोर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हैदराबाद का 116 रन रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईपीएल 2021 में ऑलरेडी इन दो टीमों के बीच एक मुकाबला खेला जा चुका है। उस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जीत मिली थी सुपर ओवर में, यानी कि मैच पहले टाई हो गया था, उसके बाद सुपर ओवर खेला गया था और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने बाजी मार ली थी। तो क्या रिवेंज ले पाएगी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आईपीएल पार्ट 2 में या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर हम फिलहाल देखें दोनों टीमों की, तो दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम शानदार फॉर्म में चल रही है, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को अभी अपना लय पकड़ना बाकी है। वहीं पिछले जो 5 मुकाबले खेले गए इन दो टीमों के बीच में, 3 मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को जीत मिली है, तो वहीं 2 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जीत मिली है। अब बिना समय गवाए चलिए बात करते हैं मैच विन प्रेडिक्शन और प्लेइंग 11 की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की। तो एज अ ओपनर नंबर 1 पर होने वाले शिखर धवन जबरदस्त विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज, जबकि नंबर 2 पर पृथ्वी शाह बेहतरीन युवा ओपनर बल्लेबाज, ये दोनों ही करने वाले हैं पारी की शुरुआत। नंबर 3 पर होने वाले हैं श्रेयस अय्यर, जिनकी वापसी हो चुकी है, आईपीएल पार्ट 1 से बाहर हो गए थे लेकिन आईपीएल पार्ट 2 में खेलने वाले हैं, लेकिन इस बार कप्तान नहीं होंगे, कप्तान ऋषभ पंत ही होने वाले हैं, एज ए बैट्समैन के तौर पर सिर्फ खेलेंगे श्रेयस अय्यर। जबकि नंबर 4 पर होंगे ऋषभ पंत, जबरदस्त विस्फोटक विकेट कीपर बैट्समैन और कप्तान, जो फिलहाल आईपीएल पार्ट 2 के लिए कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर की जगह पर। अगर हम बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर सैमरन हिटमायर होने वाले, जो काफी शानदार हिटिंग बल्लेबाजी करते हैं। इसके बाद नंबर 6 पर मार्क
आकाश एस्टोनिस बेहतरीन ऑलराउंडर, जबकि नंबर 7 पर अक्षर पटेल, वहीं उसके बाद नंबर 8 पर रविचंद्र अश्विन। दोस्तों अक्षर पटेल और रविचंद्र अश्विन दोनों ही एक बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं और काफी शानदार स्पिन बॉलिंग भी कराते हैं। वहीं नंबर 9 पर कगिसुर अबादा बेहतरीन तेज गेंदबाज, जबकि नंबर 10 पर एनरिश नोर्तजे। अगर हम बात करें नंबर 11 की तो नंबर 11 पर अवेश खान या फिर ईशांत शर्मा, इन दो में से किसी एक को खिलाया जाएगा। जहां तक बात रही अवेश खान की तो ये फिट हो चुके हैं, इससे पहले ये इंजर्ड थे। अवेश खान भी काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और ये आपके पास एक बढ़िया विकल्प के तौर पर निकल कर आए, जो काफी शानदार गेंदबाजी कराई थी इन्होंने आईपीएल पार्ट 1 में। अब फिर बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 की, तो ऐसा ओपनर नंबर 1 पर डेविड वार्नर होने वाले हैं, जो काफी शानदार विस्फोटक की ओपनिंग की बल्लेबाजी करते हैं। जबकि नंबर 2 पर विरिद्धमान साहब विकेट कीपर बैट्समैन, वहीं इसके बाद नंबर 3 पर मनीष पांडे, जबकि नंबर 4 पर केन विलियमसन सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। अगर हम बात करें नंबर 5 की तो नंबर 5 पर केदार जाधव होने वाले या फिर विजय शंकर, इन दो में से किसी एक को खिलाया जाएगा। उसके बाद नंबर 6 पर जबरदस्त युवा हार्ड हिटर बैट्समैन अब्दुल समद। अगर हम बात करें नंबर 7 की तो नंबर 7 पर होने वाले जैसन होल्डर बेहतरीन ऑलराउंडर। आपके पास यहां पर विकल्प एक और है मोहम्मद नबी के तौर पर, जबकि आप सरफेन रदरफोर्ड को भी खिला सकते हैं, लेकिन मोहम्मद नबी एक बढ़िया विकल्प हो सकते हैं, जो काफी शानदार हिटिंग बल्लेबाजी करते हैं और स्पिन बॉलिंग भी काफी शानदार कराते हैं। वैसे जैसन होल्डर का भी प्रदर्शन आईपीएल पार्ट 1 में काफी शानदार रहा था, इससे पहले भी बढ़िया प्रदर्शन करके आए। अगर हम बात करें नंबर 8 की तो नंबर 8 पर होंगे राशिद खान जबरदस्त स्पिनर, जबकि नंबर 9 पर एक्सपीरियंस तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, उसके बाद नंबर 10 पर टी नटराजन युवा तेज गेंदबाज, जबकि नंबर 11 पर खलील अहमद या फिर संदीप शर्मा, इन दो में से किसी एक को खिलाया जाएगा। तो गाइस सीरीज सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लगभग 100% कंफर्म है कि यही प्लेइंग 11 होने वाली है दोनों ही टीमों की। अब चलिए बात करते हैं इस मुकाबले की मैच विन प्रेडिक्शन के बारे में। कभी खराब फॉर्म में चलने वाली टीम भी बड़ी टीम जो शानदार फॉर्म में चलती है उसे भी हराकर सबको चौंका देती है। कब कौन सी टीम जीतेगी ये किसी को नहीं पता होता है। मेरा मानना है कि जिस दिन जिस टीम का दिन होता है वही टीम बढ़िया प्रदर्शन करती है और मुकाबले जीतती है। तो इस मैच का मैच विन प्रेडिक्शन जाता है सनराइजर्स हैदराबाद के पक्ष में, यानी कि हैदराबाद की टीम यह मुकाबला जीत सकती है। आपकी क्या भविष्यवाणी यानी कि प्रेडिक्शन है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही दिया गया है।